हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है मूंग मसूर की दाल की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और बहुत ही ईजी होने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड देन बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में आपने 3 ग्लास पानी लेना है। पानी को अच्छे से गर्म करने के बाद एक प्याली हमने इसमें मूंग की दाल ऐड करेंगे, हाफ प्याली चने की दाल। चने की दाल ऑप्शनल है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक प्याली हमने मसूर की दाल ऐड कर देनी है, और उसके बाद ये एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक या 2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और अब हम इन तमाम चीज़ों को पकने के लिए रख देंगे। इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देना है। 20 से 25 मिनट बाद आपने देख लेना है हमारी सारी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। दाल घोटने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये चने की दाल है तो इसको थोड़ा सा घोटना पड़ेगा। दाल को घोटने के बाद आपने इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए फिर से पकने के लिए रख देना है, और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसे अलग कर लेंगे। एक पैन में 1/2 कप ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद 6 से 7 बड़ी साबुत मिर्ची ऐड करेंगे। उन्हें हमने फ्राई कर लेना है। पहले थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करके हमने इस दाल में बघार लगा देना है। और आप देख सकते हैं 30-40 मिनट्स में हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। ऊपर से हरा धनिया ऐड करें और अब इसे सर्व करें। और आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।